पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान इन दिनों चौतरफा संकट में घिरे हुए हैं। एक ओर जहां विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने भी उनसे किनारा कर लिया। इसी बीच प्रधानमंत्री इमरान खान और चुनाव आयोग के बीच जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। इमरान खान ने गुरुवार को पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। अब एक दिन बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान को जमकर फटकार लगाई है। चुनाव आयोग ने कहा कि इमरान खान जीत मिलने पर खुश होते हैं और हारने पर सवाल उठाने लगते हैं। बता दें कि हाल ही में इमरान खान सरकार के वित्त मंत्री को सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और इसी मुद्दे पर भड़के इमरान ने चुनाव आयोग पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने गुप्त मतदान कराया, जिससे उनकी पार्टी के कई सांसद बिक गए। चुनाव आयोग ने कहा कि ये काफी अजीबोगरीब मामला है। एक ही चुनाव में जहां से उन्हें जीत हासिल हुई वो स्वीकार है और जहां से हार मिली उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसे दो विरोधी बातें बताया। आयोग ने कहा कि हर नेता के भीतर अपनी हार मानने का साहस होना चाहिए और अगर किसी को चुनाव के रिजल्ट स्वीकार नहीं तो उसे सबूत पेश करना चाहिए। इमरान खान के आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि सीनेट के चुनाव संविधान और कानून के मुताबिक ही आयोजित किए गए थे। आयोग ने कहा कि नेताओं के इस तरीके के बयान काफी दुखद हैं। चुनाव आयोग ने खास तौर पर ये बात प्रधानमंत्री इमरान खान के उस संबोधन के लिए कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान ने गुरुवार को कहा था कि पाकिस्तान में कानून ताकतवरों की मदद के लिए है। हमारे 16 मेंबर बिक गए। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। मैं परसों असेंबली में कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जो सीनेट में हुआ उस पर बात करूंगा। जैसा इलेक्शन हुआ उससे मुल्क का सब कुछ पता चल गया। उन्होंने कहा कि सीनेट के इलेक्शन में तो पैसा चलता है, रिश्वत देकर सीनेट बनते हैं और पैसे देकर नेता। बहरहाल चुनाव आयोग और इमरान खान के बीच छिड़ी इस जंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।